अंधत्व निवारण में जुटी शहर के स्वयंसेवी संस्था प्रेम मिलन की ओर से फेको पद्धति से 2500 नेत्र रोगियों के सफल ऑपरेशन के मौके पर शनिवार को एक शाम बाबा श्याम के नाम का भजन संध्या का आयोजन किया गया। उत्तर कोलकाता के उल्टाडांगा स्थित श्रद्धेय बैंकेट में अखंड ज्योति छप्पन भोग व अलौकिक श्रृंगार के बीच भजन गायन का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्याम अग्रवाल ने अपने साथी कलाकारों के साथ कर्णप्रिय भजन सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। वहीं ज्योत प्रज्वलित कर लक्ष्मीकांत तिवारी ने भजन संध्या का उद्घाटन किया। इस मौके पर सचिव चंद्रकांत सराफ, धर्मानुरागी लक्ष्मीकांत तिवारी, पार्षद विजय ओझा, राजेश सिन्हा, मनोज सिंह पराशर, राजीव सिन्हा, शंकरलाल हरलाल का, पवन भगत, विजय शंकर अग्रवाल, दामोदर मोर, मनमोहन बागड़ी, सूरज चौखानी, राजकुमार शर्मा, अशोक चौखानी, निर्मल सराफ, प्रभुदयाल केडिया, महावीर केडिया, पत्रकार संजय हरलाल का, सज्जन अग्रवाल, अरुण सुरेखा, राजकुमार बोथरा, विष्णु बागला, छतर सिंह दुगड़, विनोद डावर, विष्णु सराफ, महेश कुमार सराफ, रविंद्र अग्रवाल, हरि प्रसाद खेमका, लक्ष्मण अग्रवाल, नंद किशोर तोसावर, बाल किशन कयाल, जगमोहन बागला, पवन भालोटिया, दिनेश अग्रवाल, राजकुमार खेमका, सत्यनारायण गुप्ता, कमल सिंह, उषा नरेड़ी, ज्योति सराफ, मोनिका अग्रवाल, प्रज्ञा सराफ, स्वाति सराफ, ज्योति जायसवाल, वर्षा सराफ, सुषमा चंगोटिया समेत कई जाने माने लोग बतौर अतिथि उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिथियों को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। वहीं वक्ताओं ने कहा, पूरे पश्चिम बंगाल में केवल प्रेम मिलन ही ऐसी संस्था है जो फेको पद्धति से मुफ्त में ऑपरेशन कराती है। उपस्थित सभी अतिथियों ने प्रेम मिलन द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की प्रशंसा की। प्रेम मिलन कोलकाता द्वारा 2500 फेको ऑपरेशन होने के उपलक्ष्य में आरंभ किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एकमात्र संस्था प्रेम मिलन ही है जो फेको ऑपरेशन फ्री करती है। हम लोगों ने 2500 फेको ऑपरेशन पूरा किए हैं। उनके ऊपर उपलक्ष्य में आज श्याम बाबा का कीर्तन रखा गया। तो जनता को मालूम होना चाहिए, जो ऑपरेशन बड़े बड़े हॉस्पिटल में 10,000 15,000 20,000 लेते हैं, उसको हम लोग फ्री कर रहे हैं। तो जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है, उनको एक तरफ से रोशनी मिल जाती है तो उनकी आँखों एक हफ्ता में क्लियर हो जाती है। और माइक्रोसर्जरी जो ऑपरेशन होता है उसमें उसको कम से कम भी 1.5 महीना रहना पड़ता है। इसीलिए इसे आयोजन किया गया। कब से सर ये आप लोगों ये ऑपरेशन? हम लोग 11 वर्षों से ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी ऑपरेशन 2 साल से हुआ मात्र। 22,761 ऑपरेशन हम लोग कर चुके हैं। इस कार्यक्रम में संस्था के कई सदस्यों का सहयोग सराहनीय रहा। कोलकाता से अमित कुमार की रिपोर्ट, युवा शक्ति। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।